ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अभी मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ। अगर हम अपने मन में आत्मा में इस साथ को चार्ज नहीं किया तो क्या होता है, थोड़ा देख लीजिए। ओपन कीजिए। नॉलेज, प्यूरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस, पावर। अगर हम अच्छे बातों से, अच्छे विचारों से हमारा मन को, बुद्धि को चार्ज नहीं किया तो हमारा मस्तिष्क का सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बोलते हैं, इस शरीर से कनेक्टेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो खराब होता है। आजकल बहुत पागल लोगों को हम अस्पताल में देखते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम होता है जब हम अच्छे विचारों को सोचने का एक डिग्री स्टार्ट नहीं किया। दूसरा होता है शुद्धता, प्यूरिटी। हरेक को शुद्ध दृष्टि से देखने का संस्कार होना है। आज स्कूल में भी बच्चे अपने आपस में किस संस्कार से देखते हैं, हीरो हीरोइन जैसे देखता है, ऐसे नहीं, ये संस्कार नहीं। हरेक को कैसा देखना है, एक आत्मिक दृष्टि से देखना है। जब हम आत्मिक दृष्टि से देखते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स शुद्ध होता है, कोई बीमारी नहीं आता है। तीसरा होता है पीस, पीस यानी शांति। जिसके मन ज्यादा सोचता नहीं, धीमी गति से सोचता है, उसके पास पीस होता है। वो पीस जहां होता है वहां हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, वो जो लंग्स है ना, वो लंग्स पीस से खराब नहीं होता है, अच्छा होता है। और चौथा है लव, लव से हमारा दिल, हृदय, वो बहुत अच्छा काम करता है। और जो हैप्पीनेस, खुशी, उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पेट अच्छी रीति से काम करता है। अगर हम खुशी से, अगर समझो कोई ने आकर के आपको कुछ अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना के आया और आपके मुंह में ऐसे फेंक दिया, तो आपका पेट अच्छी तरह से उसको पचन कर सकता है नहीं? क्यों? उसमें खुशी नहीं है। जहां खुशी नहीं है तो स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता है। और सिक्स्थ है ब्लिस, ब्लिस यानी आनंद। जब जिसके मन में आनंद होता है वहां हमारा इंटेस्टाइन, हम सबको दो इंटेस्टाइन होता है ना, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, पाचन करने की शक्ति जो होता है अंदर, जो इंटेस्टाइन होता है वो सब भी हेल्दी हो जाता है। और पावर यानी हमारा जो भी बोन्स होता है, हड्डियां होता है, वो सब भी पावरफुल तभी होता है जब अंदर मन का बल होता है। ऐसे सात गुण हमारे में होना है। ये सात गुण को हम कहते हैं वर्जिनल संस्कार। ये वर्जिनल संस्कार को चार्ज करने के लिए मेडिटेशन करना है। देखिए हम सभी आपको एक गहरी बात बता रहे हैं, एक मिनट में कंप्लीट करते हैं। जैसे एक सिनेमा जाने के लिए हम कभी भी टाइम के बारे में नहीं सोचते, दूसरों की कहानी एंटरटेनमेंट के लिए हम बहुत समय निकालते हैं। और एक सिनेमा देखने के लिए कितना टाइम देना पड़ता है हमको, 3 घंटा देना पड़ता है। और हमारा जीवन के ध्यान लेने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना है, कम से कम 2 घंटा, मना एक दिन के लिए 40 मिनट, 40 मिनट्स, 5 दिन के लिए 2 घंटा या 2.5 आवर्स, एक सिनेमा जितना ही टाइम होता है, उतना आप दे दिया तो आपको बहुत अच्छा मेडिटेशन सिखाया जाता है। आपका ओरिजिनल फाइल, आपका जो ओरिजिनल फाइल है वो फाइल खोलने का पासवर्ड देंगे। अगर वो फाइल आपने खोल दिया तो आपका जीवन में दुख अशांति आते भी आपका बच्चों का संस्कार अच्छा हो जाता है और आपका जीवन में भी
समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति आ जाता है। भाइयों बहनों, हम सबको एक बात जाना है, सबके जीवन को स्टडी करने में बहुत टाइम हमने गवा दिया। अपने आप को परिवर्तन करने के लिए भगवान हमको एक अच्छी ज्ञान दे रहा है, वो ज्ञान है ईश्वरीय ज्ञान। प्रजापिता ब्रह्म कुमार ईश्वरी विश्वविद्यालय में ऐसा संस्कार का ज्ञान दिया जाता है कि आत्मा का ज्ञान होता है। यहाँ कोई उम्र का ज्ञान नहीं, बच्चे और गुर्जर, युवा, महिला, पुरुष, ऐसे सभी को वेरिएशन नहीं, सबको एक ही ज्ञान होता है। आपने आप ऐसे कोई स्कूल नहीं देखा होगा जिस स्कूल में 100 ईयर्स वाले, 100 बरस वाले भी पढ़ते हैं, 7 बरस वाले भी पढ़ते हैं। यहाँ देखो, आप देख रहे मम्मी पापा भी बैठ रहे, बच्चे भी बैठ रहे, गुर्जर भी बैठ रहे, सबको पढ़ाई यहाँ पढ़ाया जाता है। क्योंकि ये कोई और चीज नहीं, मनुष्य के जीवन में जो मौल्य होना है, वैल्यूज होना है, वो वैल्यूज का नॉलेज दिया जाता है। इसलिए आप सभी भी दिन में आधा घंटा, वैसे 5 दिन के लिए आ करके ज्ञान को सीखिए अपना परिवार के साथ, और अपने जीवन के फाइल जो है, ओरिजिनल फाइल जो है, नॉलेज, पीस, प्यूरिटी, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस, पावर, उसको सीख लीजिए और आपका जीवन को खुशी में, अपना जीवन को आनंद में उसको बिताइए। आपका जीवन एक दिन के लिए खुश होना ऐसे नहीं, हर क्षण हर पल आपका जीवन खुश रहे, आनंद रहे, शांत रहे। आप मेडिटेशन सीख करके बच्चों को भी अच्छे संस्कार दीजिए और आपके जीवन में सफलता पाइए। हम पैसा कमा के बच्चों को दे सकते हैं, संस्कार तो सबको भी सीखने से मिलता है। इसलिए आप सबको मुफ्त में ऐसा एक नॉलेज मिलता है जिससे हम सब मिलकर के अपना ओरिजिनल फाइल को खोल सकते।